अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे कि हमारे पास ये 2141 मॉडल है और इसका मसला वही जो एक टाइम होता है कि इसकी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि SSD शॉर्ट होती है। जैसे कि अभी हमने इसके कुछ पार्ट्स हमने ये देखें डिसकनेक्ट किए हैं, ये देखें इस एरिया पे, तो ये अभी शॉर्ट आ रहा है। ये चेक कर लें, ये देखें ये रीडिंग जैसे थी ये शॉर्ट की है, ये देखें ये 1 कुछ की शॉर्टेज दे रहा है। तो इसकी ये SSD जो सी है ये शॉर्ट आ रही हैं। अब इनको रिप्लेस करेंगे फिर चेक करेंगे इसका स्टेटस। मोस्टली ये इन मॉडलों में 1990 और 2141 मॉडल में ना यही प्रॉब्लम है कि इनकी SSD शॉर्ट हो जाती है और फिर रिप्लेसिंग करनी पड़ती है और कोई इसका सलूशन नहीं है। तो हम इसका भी SSD रिप्लेस करेंगे फिर इसका स्टेटस देखते हैं। तो अभी हम इसको जैसे कि अभी इसकी लैंड को इसको हम रिमूव करेंगे, रिमूव करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसके ऐसे रिमूव कर लिए, इसके बाद भी हम एक बार इसको ना चेक कर लेते हैं। ऐसे रिमूव करने के बाद फिर हम चेक कर लेते हैं इसकी रीडिंग, कि रीडिंग में फर्क पड़ा है या नहीं। तो अभी रीडिंग में तो फर्क आ गया, मसला ठीक है। अभी कोई भी रेटिंग आ रही नहीं है जैसे, फिर हम इसमें करेंगे इसकी ये जगह चेक कर लेते हैं। दूसरा मीटर देना, तो हम इसके दूसरे मीटर पे दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं प्रॉपर यहाँ पे लगा के। ये अभी भी शॉर्टेज आ रही है, ठीक है। जैसे कि वो देखें वो शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है। हम दूसरे भी नैंड को भी उतारते हैं इसी तरह स्टेप बाई स्टेप चेक करेंगे। दूसरे नैंड को भी इसी तरह रिमूव करते हैं। ये नैंड अभी रिमूव कर लेते हैं। जैसे जब भी इसको हम ड्रॉ करते हैं इसको भी उठा लेते हैं, ये भी रिमूव हो गई है। रिमूव करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे इसी रीडिंग पे। ठीक है, यहाँ पे अभी भी शॉर्ट आ रही है, ये देखें शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट है। उसके बाद हम बैक साइड पे चले जाते हैं, इनको चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारी उतार लेते हैं। जी जी कर रहे हैं सर, काम चल रहा है।
यार इसको बहुत सबक आ गया। सर जी तुझे आधे घंटे की मैं गाड़ी तो नहीं की, मैं क्या मैं टाइम दिया मैं दसागा। बंदे नु उठे भेज दो, आप भी आओ तो बंदे नु भी लेकर आओ। जैसे कि हमने ये चारों रिमूव करने के बाद भी हम स्टेटस चेक करते हैं, सम टाइम ये होता है कि छोटे कंपोनेंट शॉर्ट होने की वजह से भी होता है, हम फिर भी हम चेक कर लेते हैं। हमने जैसे ये चेक किया तो ये भी नॉर्मल हो गया, कोई ऐसी देखें बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ये देखें ये नॉर्मल हो गया अभी। और इसकी ऐसी भी अभी हम जो कैपेसिटर लगेंगे हम उनको वेरीफाई कर लेते हैं, सम टाइम ये होता है अगर तो शॉर्ट आ जाते हैं हम चेक कर लेते हैं शायद तो शॉर्ट है। ये भी ठीक है, हम टाइम ये होता है कि छोटा कैपेसिटर भी शॉर्ट होने की वजह से शॉर्ट होती है, ये शॉर्ट है नहीं, ये डबल कैपेसिटर है इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये अभी हम देख सकते हैं इसका पॉइंट को चेक कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट इनमें कोई ना कोई शॉर्ट होगी। चले हम नेक्स्ट अपना स्टेप पूरा करते हैं। हमारे पास एक एक्टिव लॉक का एक बोर्ड पड़ा हुआ है सैम इसके साथ का, हम उस पर भी इसके एक चीज पार के उसको लगाएंगे और चेक करेंगे। जैसे कि हमारे पास 5x5 ये नैंड हमने रिमूव कर लिया, उसकी क्लीनिंग भी कर ली है और ये नंबर वाइज आती हैं, इसको ये चेक कर सकते हैं और इसको बस इसकी बबल बना के उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसकी क्लीनिंग कर ली है, इससे प्रॉपरली क्लीन होगी, ये एरिया भी क्लीन कर ली है, उसके बाद ये बैक साइड वाली भी क्लीन होगी है और अभी हम इस पर SSD इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। अभी हम इसकी SSD इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे कि अभी हम इसके SSD को प्रॉपर सफाई कर लेते हैं, क्लीनिंग करनी है। रेट कम करना, हाँ 200 रेट कितना पे सर? 250 तो पे।
जैसा कि अभी हम इसका रेटिंग दोबारा चेक कर लेते हैं, रेटिंग ये देखें इसकी, यहाँ पे पहले शॉर्टेज आती थी, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई है, यहाँ पे कोई मतलब शॉर्टेज नहीं हो रही, ये शॉर्ट ग्राउंड है, ये वोल्ट है। अब इसको हम पैक करते हैं, पैक करने के बाद इसका रिव्यू करके फिर आपको चेक कराते हैं। ये अभी बैटरी लो है, बाकी डिस्प्ले इसका आ गया, इसका चार्जर दूसरे पे लगा के इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पर मशीन ऑन हो गई है, जैसा कि अभी हमने इसके ऊपर डिस्प्ले करना कंप्लीट होने के बाद मशीन ऑन की है, मशीन ऑन हो गई है। डिस्प्ले के जैसे कि इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ किस्त एरर आ रहे थे वो कम्प्लीट किए, उसके बाद अभी ये देखें इसकी आपको चेक करा देते हैं, ये भी ऑन हो गया है और क्वेश्चन मार्क ले रहा है, देख सकते हैं SSD रिप्लेस हुई हुई, ठीक है SSD रिप्लेस किए हैं। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, उसके बाद इसको कम्प्लीट कर देंगे। जैसे कि अभी इसको कम्प्लीट कर दिया है, ऑन करने के बाद अभी हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं। इसका वेट करने वाला जैसे कि अभी हम इसको ऑन करके ये हमारे डिस्प्ले ओके हो गया, इसके बाद ये हमने यहाँ पे नेट स्नैच कर देते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हम चेक। जैसे कि हमारा ये कंप्लीट होने के बाद अभी हम इसको आगे चले जाते हैं, मैच करने के बाद हमारे पास से इसका पासवर्ड चाहिए होगा शायद, अगर मांगा तो OS ठीक है, हमारे पास यूटिलिटी भी की अरेज किया, ठीक है हमारे पास यहाँ पे कितनी GB आती है वो भी अब हम आपको वैल्यू शो करा देते हैं।
ये देखें 1 TB हमारे पास आ गई है। तो ये थी हमारी जो अपग्रेडेशन की है, हमने जो नया 2141 में 1 TB कम्प्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया। अजन ये देख लें, ये आपकी 1 TB आ गई है और ये हमने इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपग्रेडेशन सिस्टम में।